हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल इंग्लिश फॉकेट्स आई होप यू आर इन्जॉइंग दिस वीडियो बच्चों आई मेक आई एम मैं बहुत सारा एफर्ट डाल रही हूँ कि आप इजीली लर्न कर लो इन वर्ड्स को uh, इसकी सीरीज चल रही है लर्न करने की वीडियोस वो कैबलरी लर्न करने की सीरीज चल रही है उसको कंटिन्यू करते हैं चलो तो आज हम कुछ न्यू फाइव वर्ड्स लेते हैं उनका मीनिंग और सेंटेंस में उसका फॉर्मेशन समझते हैं चलो शेल वी स्टार्ट हाँ तो फर्स्ट फर्स्ट वर्ड है टुडे का अपलॉज ए डबल पी एल ए यू एस सी अपलॉज या अप्लॉड एप्लॉडेड एप्लॉडेड दोनों कई बार मुझे बच्चे मिलते हैं कि ये वर्ड क्या है इसका उस सेम वर्ड है उसका ही मीनिंग वो पूछते हैं इसमें बच्चों ये दोनों सेम वर्ड हैं केवल ई डी लगा है इसमें और इसमें नॉर्मल जो वर्ड की स्पेलिंग है वो है ए डबल पी एल ए यू एस ई ए डबल पी एल ए यू डी ई डी अप्लॉडेड सेम वर्ड है क्लैपिंग बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल टू शो दे इन्जॉय समथिंग क्लैपिंग विद अ ग्रुप ऑफ पीपल ओके वेट आ मिनट बचो आई एल टेक अ पेन पॉइंटर देन आई एल एक्सप्लेन यू हाँ ओके स्टार्ट ए डबल पी एल ए यू एस सी ये मैंने जैसे लाइन किया कि आप ब्रेक करके भी स्पेलिंग को लर्न कर सकते हो ए डबल पी एल ए यू एस सी अपलॉज इसका इंग्लिश में मीनिंग था क्लैपिंग बाई अ ग्रुप ऑफ पीपल टू शो दे इन्जॉय समिंग मीन्स कि किसी कोई फंक्शन चल रहा है उसमें सब इतने सारे लोग बैठे हैं और वो कोई शो देख रहे हैं यहाँ पर वो शो परफॉर्म हो रहा है और सब एक साथ क्लैप करते हैं तो हिंदी में इसका वर्ड है वाह ताली बजाना क्लैपिंग क्लैप करना उस शो को देखने के बाद क्लैप करना तो इसी अपलॉस का अगर आप हिंदी में मीनिंग पूछोगे तो इस वर्ड का हिंदी में मीनिंग है वाह ताली बजाना या शाबासी देना किसी भी चीज़ के लिए वो कोई भी बच्चा कहीं परफॉर्म करते हैं स्टेज पे तो जो लोग उनके पेरेंट्स बैठे होते हैं वो क्या करते हैं क्लैप करते हैं उनको इनक्रेज करते हैं उस सेंस में अब एग्जांपल में देखते हैं कि इस वर्ड को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं एवरी वन एट द एंड एवरी वन एट द एंड जब इवेंट या कोई शो खत्म हुआ फिनिश हुआ एंड में तो क्या किया सबने क्लैपिंग करी अपलॉट किया उनको प्रेस उनके लिए वाहवाही करी ताली बजाई उस सेंस में ओके नेक्स्ट वर्ड है फ्रूट ये तो बहुत ही इजी वर्ड है ये तो बच्चे नर्सरी से सीखते हैं फिर भी हम हमारी ए से सीरीज चल रही है तो हम सारे वर्ड को कवर करेंगे ए डबल पी एल ई एप्पल अ फ्रूट दैट ग्रोज ऑन अ ट्री ऐसा फ्रूट जो कि ट्री पर ग्रो करता है एग्जाम्पल I always have apple after lunch. मैं लंच के बाद हमेशा ऑलवेज मतलब हमेशा एक एप्पल लेती हूँ खाती हूँ I always have apple after lunch. अब सेंटेंस में भी फॉर्मेशन देखो कि कैसे हम आप, सपोज आपसे बोल दिया गया है कि एप्पल का यूज़ करके कोई सेंटेंस फॉर्म करो तो आप यूज़ कर पाओ

फ्रूट होता है बीच में सीड होता है और राउंड इधर कॉर्नर में ऑरेंजिश सा कलर और थोड़ी सी फजी स्किन स्किंड मतलब कि उसकी जो स्किंड होती है येल्लो येल्लो और ऐसा कुछ कलर होता है हिंदी में खुबानी बोलते हैं एप्रिकॉट को हिंदी में खुबानी बोलते हैं ए पी आर आई सी ओ टी एप्रिकॉट आई लाइकड ड्राइड एप्रिकॉट ऑन सिरेल्स आई लाइकड मुझे पसंद है ड्राई डेपरिकॉड सूखे हुए एप्रिकॉर्ड ऑन सिरल्स जो ब्रेकफास्ट करते हैं मॉर्निंग में उसके साथ उसको ड्राइड एप्रिकॉर्ड लेना पसंद है नेक्स्ट वर्ड है एप्रन ए पी आर ओ एन ए पी आर ओ एन एप्रन एप्रन अ पीस ऑफ क्लोथ अ पीस ऑफ क्लोथ दैट यू पुट ओवर योर क्लोथ टू कीप द क्लीन मतलब कि आप अपने पहने हुए कपड़े के ऊपर एक ऊपर से एक कपड़ा पहनते हो हो उसको बोलते हैं हैं ऐपरेन जैसे किचन में शेफ लोगों को देखा है या मम्मा को आपने घर में देखा होगा जब वो खाना बनाती हैं तो वो आगे कुछ ऐसे पहन लेती हैं उस उसी कपड़े को ऐपरन बोलते हैं कि जिससे कि उनके क्लोथ्स ख़राब ना हो वाइल मेकिंग कुकिंग फूड खाना बनाते वक्त कुछ गिर जाएगा उसमें तो उनके क्लोथ्स ख़राब हो जाएंगे एग्जाम्पल में देखते हैं इसी वर्ड को आई वोर एन apron वाइल आई वॉज पेंटिंग आई वोर मैंने पहना एन एप्रिन एप्रन वाइल आई वॉज पेंटिंग जब मैं पेंटिंग कर रही थी ओके नेक्स्ट वर्ड है आर्च ए आर सी एच ए आर सी एच आर्च आर्च कर्व्ड स्ट्रक्चर कर्व्ड मतलब ऐसे ऐसे कोई स्ट्रक्चर है ये कर्व तो ये जो इसका किनारा है ये आर्च है ये आर्च है ओके okay? समझ में आया बच्चों ये आर्च है इस जो ऐसा जो एच पोर्शन है इसको आर्च बोलेंगे आर्च कर्व्ड स्ट्रक्चर कर्व मतलब कर्व कर्व तो पता है ऐसे कर्व तो जैसे कोई वॉल बनी है वो ऐसे तो स्ट्रेट है यहाँ पर यहाँ से मुड़ेगी तो वो ऐसा कर्व लेगी तो कर्व अ कर्व स्ट्रक्चर एग्जाम्पल वी सेट ऑन द ग्रास अंडर द आर्च वी सेट वी हम बैठे सेट मतलब बैठे ऑन द ग्रास ग्रास के ऊपर ऐसे ऐसे ग्रास है और यहाँ पर कोई बच्चा बैठा है इन्जॉय कर रहा है व्यू देख रहा है अंडर द आर्च तो अब जो वो बैठा है ना तो कहाँ बैठा है अंडर द आर्च बैठा है मतलब कि यहाँ पर कोई ऊपर वॉल होगी उसकी आर्च है उसके नीचे वो बच्चा बैठा है तो आर्च का मीनिंग ये हो कर्व स्ट्रक्चर कर्व स्ट्रक्चर बस इतना ही यहाँ याद रखो चलो तो आज के हमारे फाइव वर्ड्स हो गए हैं हम हर वीडियो में फाइव वर्ड्स ही करते हैं तो फर्स्ट वर्ड था हमारा एप्लॉज ए डबल पी एल ए यू एस ई ए डबल पी एल ए यू एस सी एप्लास या applauded दोनों ही वर्ड सेम हैं उनको शाबाशी देना ताली बजाना वाह करना ये इसका हिंदी मीनिंग है नेक्स्ट वर्ड एप्पल सब बच्चों को पता है ये तो एप्पल तो सब बच्चों को पता है ए डबल पी एल ई एप्पल नेक्स्ट वर्ड है एप्रिकॉट एप्रिकॉट भी एक फ्रूट है हिंदी में खुबानी बोलते हैं आई स्मॉल फॉजी स्किन येलो फ्रूट एपरेन ए पी आर ओ एन ए पी आर ओ एन जो शेफ़ लोग या किसी भी लैब में ओनली शेफ ही नहीं किसी भी आप पेंटिंग कर रहे हो तो आप कुछ ऐसा एक कपड़ा अपने कप, पहने हुए कपड़ों के ऊपर जो पहनोगे उसको एपरेन बोलते हैं नेक्स्ट है आर्च ए आर सी एच आर्च आई होप आपको आज के जो हमने फाइव न्यू वर्ड्स करे हैं वो लर्न हो गए होंगे अच्छे से नहीं लर्न हुए तो बच्चों आप दोबारा देख सकते हो ये वीडियो फिर उसको लर्न कर सकते हो साथ साथ आप लर्न कर सकते हो ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो